और लंका में राक्षस सशंकित होके जी रहे हैं। कहते हैं कि एक बंदर आया, लंका को जार गया। निज निज गृह सब करहिं बिचारा, नहिं निसिचर कुल केर उबारा। कहते हैं कि अब राक्षसों का कुल खानदान बचने वाला नहीं है। क्यों भाई? जास दूत बल बरनिन जाई, तेही आए पुनि कवन भलाई। जिसका एक दूत आया था, उस दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज जब राघवेंद्र धर्मधारी जानकी वल्लभ आ जाएंगे तब क्या होगा? दूतन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। पूरे गांव के लोगों से ऐसी बोली सुनकर के मंदोदरी को बहुत चिंता हो गई। राम नाम यही घन सरिषा, निकर निसाचर भे, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहुं तजिते। मंदोदरी कहती है कि हे राक्षस राज रावण, अहियों के समान, सर्पों के समान राम के बाण हैं और तुम्हारे राक्षस मेढक के समान हैं। जब उन पर बरसेंगे राम के बाण तो सबको खा जाएंगे, तब तुम क्या करोगे? सवन सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, जो आवई मर कटकटकाई, जियहि बिचारे निश्चर खाई। मंदोदरी की बात को सुनकर के राक्षस राज रावण हंसता है, कहता है कि रे मूर्ख, अगर बंदर आ जाए तो हमारे राक्षसों का पेट भर जाए। आ जो आवई मर कटकटकाई, जियहिं बिचारे निश्चर खाई, अस कहि बिहसि ताहि उरलाई, चले उस भामम ताय अधिकाई। इस प्रकार से मंदोदरी पर उसको ममता बहुत है, गले में लगा करके रावण कहाँ गया? अपने सभा को चला गया। सचिव बैद गुरु तीन जो, वहां पर मंत्रियों से सलाह लेता है। मंत्री सलाह देते हैं, सचिव बैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहिं भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगिहो नास। सचिव, मंत्री, वैद्य, डॉक्टर और गुरु अगर ये डर से बोलने लगे तो राज सत्ता का, स्वास्थ्य का, व्यक्ति का तुरंत नाश हो जाए। सुनु रावण कहूं बनी सहाई, स्तुति करहीं सुनाई सुना। सब लोग रावण को अच्छा लगे ऐसा वचन कह कर किया चला गया। उसी समय विभीषण जी आ गए। वो कहते हैं कि तुम तो कहते हो कि राक्षसों की भूख मिट जाएगी जब बंदर आ जाएंगे। जो आवई मर कटकटकाई, जियहिं बिचारे निश्चर खाई। तो ये जो राक्षस हैं हमारे मरकटों को खा करके मस्त हो जाएंगे। विभीषण जी महाराज कहते हैं एक बंदर तो आया था और राक्षसों में श्रेष्ठ राजा रावण तुम्हारे सुपुत्र अक्षय कुमार को मार के चला गया। पूरी लंका को जला डाली इस बंदर ने। तो तुम्हारे बंदर राक्षसों का भूख कहां था? क्यों नहीं गया एक ठो पकड़ करके खा लेता? तुम गलत रास्ते पर हो। जनकनंदिनी सीता राम की भार्या है, कुलवधू है। तुम राम को सादर आदर के साथ लौटा दो। तुम राम से युद्ध नहीं कर सकते।
उनके दूध से तो युद्ध कर ही नहीं सकते हो, राम तो दूर है। ये तुम झूठी दिलासा मन दो और मैं वैसा मंत्री नहीं हूं जैसे तुम्हारे मंत्रियों ने कहा, मैं तुम्हारी बड़ाई कर दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सच कहता हूं, अगर तुम अपना और राक्षस कुल का कल्याण चाहते हो तो तुम सीता को सकुशल वापस कर दो। ओ काम क्रोध मद लोभ सभनाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मद ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। सब परिहरि रघुबीर ही, इनको त्याग करके तुम राम के शरण में चले चलो। देवनाथ प्रभु कहाँ बैदेही, भजहु राम बिनु हे तुसनेही। सीता को राम को तुम दे दो और प्रेम से इस लंका पे राज करो। बार बार पद लागौं विनय करौं दश शीश, परिहरि मान मोह मद भजहु कोशलाधीश। अहंकार का त्याग करो, मद का त्याग करो और राघवेंद्र सरकार के भजन में जुट जाओ। तात चरण गहिरा कहिरा मांगौ राखहु मोरि दुलार, सीता देहि राम कहूं अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी महाराज रावण के पैर को पकड़ लिए और कहते हैं, तात चरण गहि मांगूं, आपके पैरों को पकड़ करके एक चीज मांगता हूं, मेरे दुलार को रख लीजिए। सीता देहि राम कहूं, सीता राम को लौटा दीजिए, इसमें आपकी कोई बुराई नहीं होली है, कोई अहित नहीं होगा, इसमें आपका सब भलाई ही होगा। इसकी बात की कथा आगे। जय श्री राम।